गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन बात करेंगे आज सुभद्रा कुमारी चौहान की। कल अपन ने सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ा था मेरा नया बचपन। इसमें किस प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान बताती हैं कि वह उन्होंने अपना बचपन कैसे जिया और बचपन से अपने युवावस्था के अंदर जाती है, किशोरावस्था के अंदर प्रवेश करती हैं किस प्रकार, और किस प्रकार फिर से उन्हें उनका बचपन वापस दिखाई देता है, उन्हें उनका बचपन वापस मिलता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म होता है 1904 में और उनकी मृत्यु होती है 1948 में। 1948 में 44 वर्ष की अवस्था में सुभद्रा कुमारी चौहान का मोटर दुर्घटना के अंदर एक देहांत हो जाता है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वह इस दुनिया से चल बसते हैं एक छोटी सी उम्र में। सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह होता है लक्ष्मण सिंह से, जो कि एक स्वतंत्रता प्रेमी आदमी थे। अब अपन बात करेंगे आगे की। दिल में एक चुभन सी थी, यह दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी, मिला खोजती थी जिसको, है बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है, किंतु यह झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना, आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपने प्राकृत विश्रांति, वह बोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर मिटा दे मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। अब सुभद्रा कुमारी जी चौहान क्या कह रही हैं कि दिल में एक चुभन सी थी, यह दुनिया अलबेली थी। दिल में एक चुभन सी, चुभन सी, चुभन का अर्थ होता है मधुर कसक, चुभन सी यानी मधुर कसक थी, यह दुनिया अलबेली थी यानी यह दुनिया उनके लिए कैसी थी, अनोखी थी, अनोखी थी, सजी धजी थी, यह दुनिया उनके लिए कैसी थी, अनोखी और सजी धजी थी। मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी, और सुभद्रा कुमारी चौहान के मन में पहेली, पहेली का अर्थ है प्रश्न, उनके मन के अंदर प्रश्न था, उनके मन में एक प्रश्न था, मैं सबके बीच अकेली थी और वह घर वालों के बीच में खुद को अकेला महसूस कर रही थी। अकेली किस प्रकार अकेली थी कि अपने मन की भावनाओं, अपने मन की भावनाओं को बताने वाला कोई आदमी तो एक होना चाहिए जिसके पास वह अपने मन की भावना को व्यक्त कर सके। मिला खोजते थे जिसको, हे बचपन ठगा दिया तूने, ठगा दिया यानी जब बचपन ने कैसे ठगा दिया कि बचपन तो खुद को छोड़कर चला जाता है और उसके बाद में आता है यौवन, किशोरावस्था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान अपने बचपन से निकलकर जब यौवनावस्था में आती हैं तो कहती हैं वह अपने बचपन से कि हे बचपन तूने मुझे ठगा दिया, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, जवानी का फंदा यानी युवावस्था की मधुर अनुभूतियाँ, जवानी का फंदा यानी जब वह अपने बचपन से युवावस्था के अंदर आती हैं तो युवावस्था में उन्हें जो अनुभूतियाँ होती हैं, युवावस्था में उन्हें किस प्रकार की अनुभूतियाँ मिलती हैं, उन्हें उसे कहते हैं जवानी का फंदा। अब इसका भावार्थ अर्थ, दिल में एक चुभन सी थी, यह दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि उनके मन में जवानी में प्रवेश करते ही उनकी मनोभावनाएं बदलने लगती हैं, कि जब सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि मेरे मन में, कवित्री कहती है मेरे मन में जब वह युवावस्था के अंदर प्रवेश करती है, किस बाल्यावस्था को छोड़कर किशोरावस्था में युवावस्था में प्रवेश करती है तो उसके मन में अनेक उनकी मन की जो मनोभावनाएं होती हैं वह बदलने लगती है। दिल में एक चुभन सी, यह दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। तो वह आगे कहती है कि उनके मन में एक मधुर कसक सी उठने लगी है, उनके मन में एक मधुर कसक सी उठने लगी है, यह दुनिया अलबेली थी, उन्हें यह दुनिया अनोखी और आकर्षक लगने लगी है। कौन सी दुनिया? वसुंधरा, सॉरी, सुभद्रा कुमारी चौहान के यौवन की, सुभद्रा कुमारी चौहान की यौवन की जो अनुभूति है वह उन्हें अलबेली सी लगने लगी है। वह उन्हें कैसी लगने लगी है? अलबेली सी। मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी, और उनके मन के अंदर एक प्रश्न था,
उनके मन के अंदर एक प्रश्न था, मैं सबके बीच अकेली थी। उनके मन के अंदर क्या प्रश्न था? उनके मन के अंदर यह प्रश्न था कि वह अपने ही परिवार वालों के बीच में क्या है, अकेली है। अपने ही परिवार वालों के बीच में अकेली है। अकेली कैसे है कि वह अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर सके, किसी दूसरे को बता सके, अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर सके, दूसरे को बता सके, यह उनके मन में, यह इस प्रकार अपने मन में अकेली थी। मिला खोजती थी जिसको, है बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। अब वह क्या कहती हैं? वह कहती हैं कि मिला खोजती थी जिसको, है बचपन ठगा दिया तूने। अब वह कहती हैं कि वह जिसको अब खोज रही थी, जिसको ढूंढ रही थी, वह यौवन तो उन्हें मिल गया, वह यौवन तो उन्हें मिल गया, लेकिन हे बचपन तू पीछे सरक गया और उस यौवन उसे मुझको मिला दिया, उसने मुझे ठगासा लगाया, उस यौवन में मुझे ठगासा लगाया। उस यौवन ने मेरे साथ छल किया है, वह यौवन मुझे ठगासा लगाया है, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। और वह अब कह रही है कि यह जो यौवन है इसके जाल में वह फंस गई है, इसके बदुर जाल में वह उलझ गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि उनके मन में एक पहेली थी और वह सबके बीच में अकेली थी। उसके मन में क्या पहेली थी? उसके मन में पहेली थी और उसके मन में एक प्रश्न था कि वह अपने मन की बात को, अपने मन की व्यथा को किसी अपने के सामने प्रकट कर सके, किसी अपने के सामने। युवावस्था के अंदर जब वह प्रवेश करती है तो उनके मन में अनेक भावनाएं चलती रहती है और वह उन भावनाओं को किसी दूसरे के सामने, जो उसका अपना हो, उसके सामने प्रकट कर सके। परिवार वालों के सामने वह उसे प्रकट नहीं कर पाती, इसलिए वह उनके बीच में क्या रहती है, अकेली सी रहती है। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है, किंतु यह झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। युवा काल कहते हैं जवानी को। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब है निराला, निराला कहते हैं अनोखा, सबसे अलग। आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला, आकांक्षा होती है इच्छा, पुरुषार्थ होता है कार्य करने और आगे बढ़ने का उत्साह। पुरुषार्थ करते हैं कार्य करने और आगे बढ़ने का उत्साह। उदय होना यानी आगमन होना, उत्पन्न होना, उदय होना यानी आगमन होना, उत्पन्न होना। युद्ध क्षेत्र, किंतु यह झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना। युद्ध क्षेत्र कहते हैं रणभूमि को, संघर्षपूर्ण जीवन को। इनका युद्ध क्षेत्र कौन सा था? संघर्षपूर्ण जीवन, संघर्षपूर्ण जीवन को कहते हैं युद्ध क्षेत्र। भार कहते हैं बोझ, कठिनाई। भार किसे कहते हैं? भार कहते हैं बोझ को। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है। अब कवित्री क्या कहते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कहती हैं कि युवावस्था सबसे अनोखा समय होता है। क्यों युवावस्था सबसे अनोखा समय होती है? इस आयु में मन में अनेक इच्छाएं हैं। क्या कहते हैं कि इस आयु में युवावस्था के अंदर मनुष्य के अंदर अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, कि इस आयु में मन में अनेक इच्छाएं, कि कुछ कर दिखाने का उत्साह और ज्ञान उत्पन्न होने लगता है, कुछ कि आयु में अनेक इच्छाएं और कुछ कर दिखाने का उत्साह मन के अंदर उत्पन्न होने लगता है, किंतु यह झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। अब आगे कवित्री क्या कहती है? कवित्री कहती है कि परंतु जो यह युवावस्था है, यौवन है, जवानी है, इसके आते ही मनुष्य के अंदर अनेक, मनुष्य को अनेक कष्टों को झेलना पड़ता है, अनेक दुखों को झेलना पड़ता है। उसे चिंताएं क्या है कि घेरने लग जाती है, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। कवित्री कहती है कि जब युवावस्था आती है तो उसके वह अपने साथ अनेक प्रकार के झंझट लाती है, चिंताएं लाती है, कि चिंताएं उसे घेरने लगती हैं और कभी कभी तो जीवन उसे किस प्रकार लगने लगता है, जीवन उसे बोझ लगने लगता है, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना।
कि युवावस्था आती है तो वह अपने साथ चिंताएं भी लेकर आती है और उसे अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। चिंताएं उसे घेरने लग जाती हैं और कभी कभी तो उसे जो अपना जीवन है, अपना यौवन है, वह एक भार लगने लग जाता है। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्राकृत विश्रांति। वह बोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। अब इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कहती हैं कि निर्मल शांति यानी बाधा रहित शांति, निर्मल शांति यानी बाधा रहित शांति जिसमें किसी भी प्रकार की बाधा न आए। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्राकृत विश्रांति। प्राकृत होता है स्वाभाविक, प्राकृत कहते हैं स्वाभाविक को और विश्रांति कहते हैं विश्राम को। प्राकृत यानी स्वाभाविक, विश्रांति यानी विश्राम। वह बोली से मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर मिटा सकेगा तू मेरे जीवन का संताप। निष्पाप कहते हैं पाप रहित और संताप कहते हैं कष्टों को। अब इसमें कवयित्री क्या कहती है, कवयित्री कहती है आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। कवयित्री मान रही है कि उसे युवावस्था में कई कामनाओं, पुरुषार्थ और ज्ञान की वृद्धि, इस आयु में बड़े बड़े झंझट हैं। वह कहती है कि इस युवावस्था में अनेक झंझट हैं, कई प्रकार के इसमें चिंताएं हैं और जीवन भी उसे क्या है भार लगने लगे। तो वह कहती है आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। युवावस्था सुभद्रा कुमारी चौहान को क्या लग रहा है, युवावस्था उसे बोझ लग रही है, जवानी उसे बोझ लग रही है और वह चिंताओं के चक्कर में पड़ गई है, चिंताओं में पड़ गई है, जवानी उसे बोझ लग रही है। तो वह कहती है आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। तो वह कहती है जवानी के झंझटों से विचलित होकर बचपन में सुभद्रा कुमारी चौहान इसमें अपने बचपन में लौट आने का आग्रह करती है। जीवन के अनेक झंझटों से वह तंग आकर कहती है कि मुझे मेरे बचपन में एक बार फिर लौटा दो। आजा बचपन एक बार फिर की, अरे बचपन एक बार तू फिर लौट आ। वह कहती है मेरे बचपन फिर से लौट आ जा, अपने बचपन को वह वापस बुला रही है। दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्राकृत विश्रांति। कि मेरे चिंताओं से बोझिल जीवन को एक बार फिर तू अपनी निर्मल शांति से भर दे। कि आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, कि बचपन एक बार तू फिर आ जाओ और मेरे इस बोझिल जीवन को एक बार तू फिर अपनी निर्मल शांति से भर दे। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली यह अपनी प्राकृत विश्रांति। फिर से मुझे वही स्वाभाविक विश्राम प्रदान कर दे जो मन की व्याकुलता भरी वेदना को शांत कर देता है। कि जो उसके मन की व्याकुल व्यथा है उसे मिटाकर उसे फिर से वही स्वाभाविक विश्राम प्रदान कर दे। फिर से मुझे वही स्वाभाविक विश्राम प्रदान कर दे और मेरे मन की व्याकुल व्यथा को मिटा दे। वह बोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। वह आगे क्या कहती है कि फिर से मेरे जीवन में उसी मधुरता भरी सरलता से भर दे, मेरे जीवन के सारे कलुषों को मिटा दे, मेरे जीवन के सारे पापों को तू मिटा दे और मुझे फिर से वही निष्पाप बिना पाप के जीवन दे दे, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। तो फिर वह आगे कह रही है, सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है अपने बचपन से कि बता क्या तू मेरे जीवन में आकर और मेरे मन की चिंताओं को, मेरे मन के कष्टों को दूर करेगा। किसे कह रही है, बचपन से कह रही है सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि अपने जीवन के झंझटों से तंग आकर वह अपने बचपन से कहती है कि हे बचपन एक बार तू फिर आ जा और मुझे अपनी शांति प्रदान कर और मेरे मन की व्यथा को मिटा और मुझे वही विश्राम स्वाभाविक विश्राम दे दे जो मेरे बचपन में
विश्राम था। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप कि उसका जो बचपन का जीवन था वह सरलतम जीवन था और बिना पाप के वह उसका प्यारा जीवन था, वही मुझे वापस लौटा दे, क्या आकर फिर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। अब वह बचपन से कह रही है कि क्या वापस आकर फिर से तू मेरे मन का वह जो संताप है, जो मेरे मन का संताप है यानी मेरे मन का जो कष्ट है, वह क्या तू मिटा सकता है। अब सुभद्रा कुमारी चौहान आगे कहती है, मैं बचपन को भुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी, माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी, पुलक रहे थे दृग अंग दृगों में, कौतूहल था छलक रहा, मुँह पर थी आलाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा, मैंने पूछा ये क्या लाई, बोल उठी माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम खाओ, पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजू मूर्ति देकर मुझे नव जीवन आया, मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ मिलकर उसके साथ, स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। अब सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कहती हैं कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी, माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुँह में कुछ हाथ में लिए मुझे खिलाने आई थी। अब सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है, बिटिया यानी सुभद्रा कुमारी चौहान की छोटी सी बेटी, नंदन वन यानी स्वर्ग का उद्यान, फूल उठी यानी फूलों से भर गई, आनंद से परिपूर्ण हो गई, कुटिया कहते हैं झोंपड़ी को, कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कह रही है कि मैं जीवन के झंझटों से, जवानी के झंझटों से तंग आकर अपने बचपन को वापस बुला रही थी, अपने बचपन को वापस बुला रही थी, सोच रही थी, और उसी समय मेरी बिटिया बोल जाती है, जो कि छोटी सुभद्रा कुमारी चौहान की छोटी बेटी थी, छोटी बिटिया थी, वह बोल जाती है, नंदन वन से फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी, जब मेरी बेटी मुझे आवाज़ लगाती है तो जो स्वर्ग का उद्यान है उसके समान उसकी छोटी सी झोंपड़ी क्या है खिल उठती है, नंदन वन में जब फूल खिलते हैं तो वह महकने लग जाते हैं, उसी प्रकार जब सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी बोलती है तो वह उसकी छोटी सी कुटिया है वह उस नंदन वन की तरह महक उठती है, माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुँह में लिए कुछ हाथ में मुझे खिलाने आई थी। अब सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि वह जो मेरी छोटी बेटी है वह माँ ओ यानी उसे आवाज़ लगाकर उसे बुला रही थी, किसे बुला रही थी, अपनी माँ को बुला रही थी, सुभद्रा कुमारी चौहान को बुला रही थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो बेटी है वह उसे बुला रही थी, माँ ओ कहकर बुला रही थी, जो क्या खाकर आई थी, जो मिट्टी खाकर आई थी, अरे छोटे बच्चे मिट्टी में खेलते हैं वो मिट्टी खाते हैं, और अपने घर वालों को जब आवाज़ लगाते हैं तो उस समय का जो दृश्य है वह आंखों को मोहने वाला दृश्य होता है, वह आंखों को मोहने वाला दृश्य होता है, उस पल से अपन गुजर चुके होते हैं, लेकिन आज समाज में अनेक प्रकार के हमारे जो कष्ट हैं वो भी हमारे सामने आ जाते हैं, हमें ज़िंदगी की भागदौड़ के अंदर अपन उलझ जाते हैं लेकिन उनको आभास नहीं कर पाते हैं, सुबह काम पे निकलते हैं, शाम को आते हैं तो छोटे बच्चे सो जाते हैं, तो हम उनसे वह हासिल नहीं कर पाते हैं जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने हासिल किया था, कुछ मुँह में लिए कुछ हाथ में मुझे खिलाने आई थी, और सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी जो कि मिट्टी खाकर आई थी वह कुछ तो अपने मुँह में उसने खा रखी थी और कुछ तो अपने हाथ में लिए हुए थी और अपनी माँ को खिलाने आई थी कि माँ लो तुम भी खाओ, माँ मैंने भी खा लिया है और तुम भी खाओ, उस समय का जो सीन है वो देखने लायक होता है। पुलक रहे थे दृग अंग दृगों में कौतूहल सा छलक रहा, मुँह पर भी आह्लाद लालिमा विजय गर्व था झलक रहा, मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ खाओ, वह प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम खाओ, पाया मैंने बचपन फिर से, अब बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजू मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया।
अब यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या कह रही है, पुलक उठे यानी रोमांचित हो रहे थे, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अरे अपने रोंगटे खड़े होना उसे कहते हैं पुलक, पुलकना यानी रोमांचित हो जाना, दृग यानी नेत्र, कौतूहल यानी आश्चर्य, आश्चर्य युक्त प्रसन्नता, कौतूहल यानी आश्चर्य युक्त प्रसन्नता, आह्लाद यानी उल्लास प्रसन्नता, लालिमा यानी लाल रंग, माँ खाओ यानी माँ तुम भी खाओ, प्रफुल्लित यानी खिला हुआ हर्ष युक्त। अब कवयित्री क्या कहती है, कवयित्री कहती है कि पुलक रहे थे अंग, दृगों में कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। अब सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि जब उसकी बेटी मिट्टी खाकर आती है, तो उसकी बेटी मिट्टी खाकर आती है और उसे खिलाने के लिए आती है, तो उसके जो अंग है वह क्या है, प्रफुल्लित हो रहे थे, उसके अंग रोमांचित हो रहे थे, प्रफुल्लित हो रहे थे, और दृगों में कौतूहल था छलक रहा, और उसकी आंखों में आश्चर्यजनक प्रसन्नता छलक रही थी, उसकी आंखों में आश्चर्यजनक प्रसन्नता छलक रही थी, मुंह पर भी आह्लाद लालिमा विजय गर्व था झलक रहा, और उल्लास से उसका मुंह कैसा था, लाल रंग का, उल्लास से उसका मुंह लाल रंग का था, और वह जैसे कि उसने विजय हासिल कर लियो ऐसे उसका मुंह गौरवान्वित हो रहा था। किस प्रकार गौरवान्वित हो रहा था कि उसका मुंह लाल लालिमा से उसका मुंह था, और जब वह मिट्टी खाकर आई थी तो वही आह्लाद उल्लास उसके मुंह पर छलक रहा था, और मिट्टी खाने का जो गर्व है वह दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी माँ का हो। अब सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी बेटी से पूछती है कि यह क्या लाई हो। मैंने पूछा यह क्या लाई, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी बेटी से पूछती है कि यह तुम यह क्या लेकर आई हो, तो वह बोल उठती है माँ का हो। वह अपनी माँ से कहती है कि लो माँ तुम खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम खाओ। और जब वह इस प्रकार अपनी माँ से कहती है, बेटी अपनी माँ से कहती है कि लो माँ तुम खाओ, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो हृदय है वह खुशी से झूम उठता है, खुशी से प्रफुल्लित हो जाता है, और वह अपनी बेटी से कहती है कि बेटी तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजू मूर्ति देकर मुझ में नवजीवन आया। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। अब सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि मैंने बचपन फिर से पा लिया है, मैंने जो मेरा बचपन था वह फिर से पा लिया है। किस प्रकार पा लिया है कि उसकी बेटी उसे आवाज़ लगाती है कि माँ, उसकी बेटी उसे आवाज़ लगाती है माँ माँ कहकर बुलाती है, और उसका मिट्टी से सना हुआ शरीर देकर, और वह जब अपनी माँ के पास आती है उसके मुँह में मिट्टी है, और उसका चेहरा गौरवान्वित हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है, गर्व से प्रफुल्लित हो रहा है कि वह मिट्टी खाकर आई है, और हाथ में मिट्टी लेकर ले रखी है, और अपनी माँ को लाकर कहती है कि लो माँ ये तुम खाओ। उसकी माँ कह रही है क्या कर रही हो, तो वह मिट्टी खाकर आती है और अपनी माँ से कहती है कि लो माँ तुम खाओ। इस प्रकार उसका हृदय खुशी से प्रफुल्लित हो जाता है। तो इन सब को पाने के बाद सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि मैंने अपना बचपन पा लिया है, मैंने अपना बचपन फिर से अपने बेटी के अंदर देखा है, मैंने अपना बचपन कि जिस प्रकार मैं अपने बचपन में करती थी काम, उसी वही काम वह मेरी बेटी कर रही है, और मुझे कह रही है कि लो माँ खाओ, और वह अपने बचपन को फिर से पा लेती है। उसकी मंजू मूर्ति देकर मुझ में नवजीवन आया। अब वह कह रही है कि उसके कवयित्री को लगता है कि जब बचपन को वर्षों से खोज रही थी, अब उसे बेटी के रूप में पा लिया है, जो बचपन उसे छोड़कर भाग गया तो वह फिर से वापस आ गया है, कि मुझ में नव जीवन आया, कि मुझ में नया जीवन आ जाता है। आगे कवयित्री क्या कहती हैं,
मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ चलाती हूँ मिलकर उसी के साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ जिसे खोजती थी बरसों से। अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। मूर्ति यानी रूप, नवजीवन यानी जीने का नया, नवजीवन यानी जीने का नया उत्साह उसके अंदर आ गया। मैं भी उसके साथ खेलती हूँ खाती हूँ तुतलाती हूँ मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। अब कवित्री क्या कहती है, कवित्री कहती है कि मैं भी उसके उसकी इस घटना को देखकर, अपनी बेटी की इस घटना को देखकर मैं भी उसके साथ खेलती रहती हूँ उसके साथ खाती रहती हूँ। और जैसे जिस प्रकार वह बोलती है उसी प्रकार उसके साथ मैं बोलती हूँ। छोटे बच्चे तुतलाकर बोलते हैं तो उस कवित्री भी उसके साथ उसी प्रकार उसी भाषा में बात करती है, तुतलाकर बोलती है कि मैं भी उसके साथ खेलती हूँ उसके साथ खाना खाती हूँ उसके साथ। वह जिस प्रकार बोलती है उसी प्रकार उसके साथ बोलती हूँ मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। अब सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि मैं भी अपनी बेटी के साथ मिलकर वैसा ही व्यवहार करने लग जाती हूँ और मैं भी एक बच्ची के समान व्यवहार करने लग जाती हूँ, बच्ची बन जाती हूँ जिसे खोजती थी बरसों से। अब जाकर उसको पाया, भाग गया था जो मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि जिसे वह खोज बरसों से वह जिसको खोज रही थी अपनी बाल्यावस्था को अपने बचपन को, जिस प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान खोज रही थी वह बचपन उसने फिर से अपनी बेटी के अंदर पाया। वह बेटी के साथ वह अपने बेटी के अंदर उसने अपना बचपन पाया है। भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर आया। अब सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि जो बचपन मुझे छोड़कर चला गया था, यानी कि मैं बचपन के बाद में जब यौवनावस्था में आ गई थी, युवावस्था के अंदर आ गई थी, तो वह बचपन मुझे छोड़कर चला गया था, वह बचपन अब वापस फिर से आ गया, वह बचपन मैंने वापस पा लिया है। इस प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान का यह मेरा बचपन लेक्चर पूरा होता है। इसके क्वेश्चन आंसर हैं, कवयित्री को बार बार किसकी याद आती है, कवयित्री को बार बार बचपन की मधुर याद आती है। बचपन में कवयित्री को रोने पर काम छोड़कर कौन आई, कवयित्री की माँ आई। कवयित्री को बचपन में आंसू के मोती आज कैसे लगते हैं, कवयित्री को बचपन में आंसू के मोती अपनी जयमाला से लगते हैं। कवयित्री की बिटिया कवयित्री को क्या खिलाना चाह रही है, कवयित्री की बिटिया कवयित्री को क्या खिलाना चाह रही है, सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी सुभद्रा को क्या खिलाना चाहती है, वह उसे खिलाना चाहती है मिट्टी। क्या खिलाना चाहती है, मिट्टी खिलाना चाहती है। किलकारी किलोल मचाकर सोना घर आबाद किया, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें कवित्री को प्राय अपने बचपन के मधुर जीवन की याद सताती रहती है और उसे अपना घर सोना सोना सा लगता था। जब उसके घर में बेटी का आगमन होता है और उसका घर फिर से वही मधुर किलकारियों और क्रीड़ाओं से गूंजने लगा, तो उसकी बेटी ने उसके सोने घर को वापस आबाद कर दिया। नैन नीर युद्ध दमक उठे, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका भाव यह है कि बचपन में जब वह कभी रोती मचलती थी तो उस घर के सभी लोग उसे बहलाने में लग जाते थे, उसके दादा उसे बहलाने लगते और चंदा को आकाश में चंदा को दिखाया करते थे। जब कवित्री आंसुओं से भरी अपनी आंखों में प्रसन्नता से धमकने लगती थी और वह मुस्कराने लगती थी। मेरा नया बचपन कविता का सारांश लेगी, इसका सारांश आपको लिखना है। जीवन में बचपन की क्या क्या विशेषताएं ऐसी हैं जो आज भी हमें याद आती हैं, यह भी आपको लिखना है। ऊंच नीच का ज्ञान है, सोना घर आबाद किया, इस पद की व्याख्या आपको करनी है। हुआ पर फुलित हृदय फिर से आया, पद की व्याख्या कीजिए और इसकी व्याख्या भी आपको करनी है। व्याख्या आपको करवा दी गई है, क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। ओके, थैंक यू। आज अपन का लेसन पूरा